फ्रेज किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं, जो कि एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता है। सेंस तो देता है बट एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब। ऐसा नहीं कि हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग रहते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट रहता है और कभी कभी वर्ब भी रहता है, बट दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। जैसे कि हमारे नाउन फ्रेज में हमने देखा था कि नाउन फ्रेज में नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है और बाकी जो वर्ड्स होते हैं वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो वर्ब फ्रेज में क्या होता है? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम वर्ब फ्रेज के बारे में सीखेंगे। वर्ब फ्रेज एक सिंगल वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। वर्ब फ्रेज में खाली एक मेन वर्ब भी रह सकता है या फिर मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब भी रह सकते हैं, और वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आता है। वर्ब फ्रेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल वर्ब फ्रेज और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज। सिंपल वर्ब फ्रेज में ओनली मेन वर्ब आता है, जो कि ये शो करता है कि जो क्लॉज है वो कौन सा टाइप का है, डिक्लेरेटिव या फिर इम्पेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई ऐसा सेंटेंस जो कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि योर कैमरा टेक्स फैंटेस्टिक पिक्चर्स। ये सिंपल वर्ब फ्रेज के अंडर में आता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही वर्ब है जो है टेक, और ये क्या कर रहा है, ये कैमरा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही गेव मी ए ब्यूटिफुल गिफ्ट, तो ये भी सिंपल वर्ब फ्रेज के अंडर में आता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही मेन वर्ब है जो कि है गिव, और ये भी गिफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, सजेशन देना या फिर एडवाइस देना, जैसे कि डोंट बी अफ्रेड, ड्राइव योर कार केयरफुली, अराइव ऑन टाइम, ड्रेस स्मार्टली। तो आप देख सकते हैं ये सब सेंटेंसेस में एक ही वर्ब है, कहीं पे ये कमांड को शो कर रहा है तो कहीं पे एडवाइस को, कहीं पे रिक्वेस्ट को शो कर रहा है तो कहीं पे सजेशन को। कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज के अंडर में मेन वर्ब के साथ मॉडल वर्ब आता है, या फिर मेन वर्ब के साथ मॉडल वर्ब और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाउस प्राइसेस कुड फॉल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो यहाँ पे कुड जो है ये मॉडल वर्ब है और फॉल जो है ये मेन वर्ब है। एन अपार्टमेंट वुड हैव कॉस्ट लेस देन ए होटल फॉर 4 आवर्स। यहाँ पे वुड जो है ये मॉडल वर्ब हैव जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है और कॉस्ट जो है ये मेन वर्ब है। ही माइट हैव बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब है, वो कैसे? एक है और दूसरा है बीन। यहाँ पे मॉडल वर्ब है माइट और मेन वर्ब है वेटिंग। वर्ब फ्रेज में ये जो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है वो एक फाइनाइट वर्ब की तरह काम करता है, जो ये शो करता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है या फिर सब्जेक्ट कौन से मूड में है। ये खुद एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता है। इसके साथ एक नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ होता है, जो ये शो करता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है। इसके एग्जाम्पल में आता है सी इज़ कुकिंग फूड। यहाँ पे वर्ब फ्रेज कौन सा है? इज कुकिंग, और इज जो है ये फाइनाइट वर्ब है, जो ये शो कर रहा है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और मूड जो है वो इंडिकेटिव मूड है, और जो मेन वर्ब है वो है कुकिंग, वो ये शो कर रहा है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है या फिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है। द डॉक्टर हैज़ टेकन एन ओथ टू प्रोटेक्ट हर पेशेंट्स। माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग ए सरप्राइज पार्टी फॉर मी। आई होप कि आप अब बता सकते हैं कि ये सब सेंटेंसेस में वर्ब फ्रेज कौन सा है, फाइनाइट वर्ब कौन सा है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है। पहले सेंटेंस में हैज़ टेकन ये वर्ब फ्रेज है, हैज़ जो है वो फाइनाइट वर्ब है और टेकन जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और दूसरे सेंटेंस में आर प्लानिंग ये वर्ब फ्रेज है, आर जो है वो फाइनाइट वर्ब है और प्लानिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक वर्ब फ्रेज के बारे में, जहाँ पे हमने वर्ब फ्रेज किसे बोलते हैं और इसके टाइप्स के बारे में सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।